ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, निरुआ गया। आज आप जाते हैं लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहा अच्छा आजमगढ़ से जहां से निरुआ सांसद है। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी। गांव से निकला हुआ एक निरुआ आज अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा करके मुंबई जाकर के एक बेहतरीन कलाकार बना। कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपके सामने पहचान का संकट था, अरे वो तो निरुआ गया। आज आप जाते हैं लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहा अच्छा आजमगढ़ से जहां से निरुआ सांसद है। और बहनों भाइयों, ये भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और इनके कहने पर अब हम लोगों ने आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण के लिए भी पैसा उपलब्ध करवा दिया है। अब तो यहां पर कई लोग प्रशिक्षण लेंगे, कला का प्रशिक्षण, कला ईश्वरीय देन होती है। और बहनों और भाइयों, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी, और निरुआ यहां पर संगीत महाविद्यालय के माध्यम से नए नए कलाकार पैदा करके भारत के संगीत जगत को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, गांव से निकला हुआ एक निरुआ आज अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा करके मुंबई जाकर के एक बेहतरीन कलाकार बना। और इसलिए जब मैं मुंबई गया था उत्तर प्रदेश दिवस पर, ये निरुआ और रवि किशन दोनों मुझे मिले। अरे हमने कहा यहां क्या कर रहे हो, कहा कि यहां पे हम एक्टिंग करते हैं। हमने कहा अब एक्टिंग बहुत हो गई है, अब अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ करो, चलो विकास के कार्य के लिए। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा निरुआ को आजमगढ़ से, रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाकर के देश की संसद में भेजे हैं, आपके आशीर्वाद से बना के भेजे हैं ना, दोनों लोग जीते हैं ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं गरीब की मेहनत को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके परिश्रम को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा बहाए जाने वाले पसीने को सम्मान दिया जाना चाहिए, और वही सम्मान देने के लिए हम आए हैं।